शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। श्याम सुंदर जी को बेल मिल गई। सरकार वो तुलसी धाम हमेशा हमेशा के लिए श्याम सुंदर को मिल गया। सरकार दावाचक तो जेल में है, उसे कैसे मिल सकता है तुलसी धाम? वो जेल से भी छूट गया सरकार। दीदी रुक जाइए, मृत्यु जीवन की किसी भी समस्या का अंत नहीं होता है, सिर्फ एक बार हमें आप अपनी समस्या बताकर तो देखिए। लड्डू गोपाल की कृपा से हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। इस संसार में मेरे बहुत सब अब सोचते होंगे कि मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वज्ञता हूँ, इस संसार में जब जो चाहे कर सकता हूँ, लोगों के जीवन के सारे दुखों को एक क्षण में मिटा सकता हूँ। फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि ये संसार कर्म विधान से चलता है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बनाता है और मैं उस भाग्य के द्वारा सबकी नियति को निर्धारित करता हूँ। इसलिए कर्म से ही मनुष्य की नियति बनती भी है और बिगड़ती भी है। कौन है ये स्त्री? क्यों उसने आत्महत्या करने की कोशिश की होगी? काका, जरूर इनके मन को कोई गहरी ठेस पहुंची, तभी लोग इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। पर तुलसी बिटिया, इन्हें अभी अस्पताल लेकर जाना होगा, देखो तो अभी तक बेहोश है ये। काका, गोवर्धन गया है डॉक्टर को बुलाने के लिए, तब तक हमें लट्टू गोपाल से प्रार्थना करनी होगी। हे लट्टू गोपाल, आपकी कृपा से सबका मंगल होता है। इस दुखियारी का भी दुख हर लीजिए। इन्हें होश में लाइए सखा, इसके जीवन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए सखा। ये क्या है? मौसी, चनामृत से जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है, शायद इससे इन्हें साहस मिले। ये तो लड्डू गोपाल का चमत्कार हो गया। तुम क्यों बचाया? तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरे जीवन को मेरा खून और मेरे ही खिलाफ मुझसे बगावत। वसुंधरा जी, आज आपको दी हुई कसम मुझे तोड़नी पड़ेगी।
आज एक बाप के हाथों उसके बेटे की हत्या होगी, आज एक बाप के कंधों पर उसके घर से उसके बेटे की अर्थी उठेगी। आप दया के सामने में नया दीदान है, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, एक आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। उसी का तो फायदा उठाते आए हो तुम, लेकिन आज तुम्हें अपने पिता में यमराज के दर्शन होंगे। संपत द्रोण के खिलाफ साजिश करने वाले को इतनी आसान मौत नहीं मिल सकती। वे वो श्याम सुंदर का लट है ना, जिसने तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। आज इसी लट से तुम्हें सजा मिलेगी, मौत की सजा। क्योंकि दीदी, जीवन का अंत करने से समस्याओं का अंत नहीं होता है। पर अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब लड्डू गोपाल सब ठीक करेंगे। ठीक तो सब हो जाएगा, लेकिन मेरे मरने के बाद जाने दो मुझे। नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे दीदी। अरे, इस औरत पे ऐसा क्या दुखान पड़ा है जो ये मरने के लिए बावली हुई जा रही है। दीदी नहीं, दीदी 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 दीदी, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, रुक जाइए, एक बार हमारी बात तो सुनिए, रुक जाइए। जाने दो दीदी, रुक जाइए दीदी, हमारी बात तो सुनिए। दीदी रुक जाइए, आपको ऐसे नहीं करने दूंगी। बेटा है वो हमारा, आप उसे नहीं मार सकते। अब नहीं रहेगा। आज एक बाप की पीठ में खंजर फोका है इसने। उसने जो किया ना, वो सब आपसे सीखा है, इसलिए दोष उसका नहीं आपका है। अगर सजा देनी है ना, तो अपने आप को दीजिए। वही तो करने जा रहा हूं। एक बाप के लिए बेटे की मौत से बड़ी सजा क्या हो सकती है। मैं आपको ये कभी नहीं करने दूंगी। अच्छा, माँ, माँ बहुत खून निकल रहा है, आइए मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ के माथे से आज खून बहा है। ऐसे कपूत के जीने से अच्छा है वो मर जाए। नहीं बाबा जी, रहने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए। कपूत नहीं हूँ मैं बाबू जी, मुझे जीने का एक और मौका दे दीजिए बाबूजी। मैं आपकी कसम खाता हूँ, आगे से ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी बाबूजी। बहुत देर कर दी तुमने बेटा, अब तो तुम्हें मुझसे मृत्यु की देवी भी नहीं बचा पाएगी। Go!
आपकी सारी समस्या दूर कर देंगे, लेकिन हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। इतना बड़ा पाप नहीं करने देंगे हम आपको। आप लोग देख क्या रहे, इन्हें रोकिए। बड़ी मुश्किल से हम इस निर्णय पर पहुंचे, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जाने दो मुझे। रुकिए, रुकिए, रुकिए। यही हम जानना चाहते, आखिर आपने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? ऐसा क्या दुख है जो आप अपना जीवन समाप्त करना चाहती है? क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो तुम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आप लोग मुझे नहीं जानते। जानते हैं मैं कौन हूं? मैं डायन हूं। डायन हूं मैं। खुद को लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है, मार डालूंगी मैं सबको, मार डालूंगी, मार डालूंगी। हम ये सब नहीं मानते। अपनी भलाई चाहती हो तो मान जाओ मेरी बात, क्योंकि डायन किसी को नहीं छोड़ती। डायन किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती। ये क्या, मृत्यु की देवी के बदले जीवनदायी माता आ गई त्रिगण को रोकने के लिए? फाल्गुनी जी, ये हमारे और बाहू जी के बीच का मामला है। आप जाइए, जाइए आप यहां से। अपने ही पति को अपनी आंखों के सामने मार खाते देखूं, ऐसी पत्नी नहीं हूं मैं। तो आंखें बंद कर लो बहू। यही तो गलती की बाबूजी, हमने आप पर, इस घर पर आंख मूंद कर विश्वास किया, पर हमें क्या मिला बदले में? सौतेला व्यवहार। फाल्गुनी जी, वो बाहू जी है हमारे, उनसे जवान मत लड़ाइए, चुप रहिए आप, नहीं तो बच्ची को कुछ आज में खत्म हो जाएगी। नहीं, आज मुझे चुप मत कीजिए। अगर आज चुप रही तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगी। नहीं, नहीं। बोलो बोलो बहू, मन का सारा गुबार निकाल लो, ताकि मरने से पहले तुम्हारे पति को पता चल जाए कि उसकी पत्नी उसे कितना प्यार करती थी। बाबूजी, ये अंगद भैया, मुग्धा भाभी, इन्हें कुछ भी नहीं समझती है। और रही बात मम्मी जी की नजरों में भी इनके लिए कोई इज्जत नहीं है। बस आपसे ही उम्मीद थी, पर आपने भी इन्हें एमएलए का एक टिकट तक नहीं दिलवाया, इसलिए मेरे कहने पर इन्होंने कथावाचक की कंप्लेंट वापस ली। तो क्या गलत किया बाबूजी?
तुम्हारे कहने पर। हाँ बाबूजी, मैं इन्हें गोरबा का एमएलए बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने ही श्याम सुंदर के खिलाफ की गई कंप्लेंट इनसे वापस करवाई। बस बस बस, यही जानना था मुझे कि इस माटी के शेर में मंत्र किसने फूंका। ये मेरे खिलाफ की जाने वाले इस साजिश के पीछे आखिरकार असली षड्यंत्रकारी कौन है? अब तुम्हारी सजा इस घर के सभी लोग मिलकर तय करेंगे। दीदी 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 रुक जाइए। जिंदा रहना चाहती हूँ तो हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। दीदी ये गोरबा है, लड्डू गोपाल की धरती, यहाँ सबके पाप कट जाते। पर आपके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है कि आप प्रेम से भरी हुई है, तो फिर आप खुद को डायन क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मैं डायन हूँ, और आज ये डायन इन सबको खा जाएगी, मार देगी सबको। दीदी डायन वो होती है जिसके मन में दाह होता है, बुरा भाव होता है, जो दूसरों को कष्ट में देखना चाहती है, पर जो दूसरों के लिए अपना जीवन समाप्त कर दे वो डायन कैसे हो सकती है? ये केवल आपके मन का विकार है। तुम सत्य कह रही हो तुलसी, मन के विकार बहुत दुखदायी होते हैं। मन के विकार मनुष्य के मस्तिष्क को पूरी तरह विकृत कर देते हैं, और फिर मनुष्य दूसरों के दोष को भी अपना ही दोष समझने लगता है, स्वयं को ही अपराधी मानने लगता है। तुलसी तुलसी, अभी तुलसी पता नहीं कहाँ चली गई। दीदी दीदी, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई, देखो अब क्या अनर्थ करने जा रही है ये तुलसी। क्या हुआ, अब क्या किया तुलसी ने? अरे एक डायन को भगवान के घर में शरण देने जा रही है वो। क्या डायन? हाँ डायन, उसी को लेने गई है वो। अरे एक बात मैं कह देती हूँ दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए उस डायन को हम अपने गांव में रहने नहीं देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कहाँ है तुलसी? अरे उसी तरफ गई है उस डायन के पीछे, चलो मैं दिखाती हूँ। मीठी मीठी बातें करके मुझे फैलाने की कोशिश मत करो, सिद्धायन का प्रकोप और बढ़ता है, और बढ़ता है सिद्धायन का प्रकोप। लगता है आपके मन को बहुत भ्रमित किया गया है, बार बार कहकर आपके डायन होने की बात आपके दिल में इस तरह से भर दी है कि आप उसे भूल ही नहीं पा रही है। तुलसी तुलसी, इसे किसी को जबरदस्ती रोकना ठीक नहीं है, इतना तो पता है ना तुम्हें? जाने दो इन्हें। माँ ये क्या कह रही हैं आप, ये आत्महत्या करने जा रही हैं, हम इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? तो क्या तुम पूरे गांव को संकट में डालना चाहती हो? अगर इस स्त्री की वजह से किसी को कुछ हो गया तो कौन लेगा जिम्मेदारी? पूरे परिवार की नींव हिला दी आज इस षड्यंत्रकारी बहू ने, इसलिए सब मिलकर सोचो सोचो कि इस रील वाली बहू को क्या सजा दी जाए। तब तक मैं इस जननायक से बात कर लेता हूं। डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं नेताजी, गलती तुम्हारी न है।
वो सब गलती बहू की भी ना है, गलती तो वसुंधरा जी की है। इनके धर्म की लत लग रही है घर में सबको। जब किसी बात की अति हो जाती है ना, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ती है। सुना, पर वसुंधरा जी आपको भी छोटी बहू से कुछ सीखना चाहिए। कैसे ढाल बन के खड़ी हो गई अपने पति के साथ, और एक आप हैं जो अपने पति में हमेशा मीन में एक ही निकालती रहती हैं। मैं तो वही कहती हूँ जो सत्य होता है। कहिए सच, किसने की है मेरे साथ राजनीति? किसे मिलनी चाहिए सजा, और कितनी? माँ, किसी का भला करके कभी अपना बुरा नहीं होता, और लड्डू गोपाल है हमारे साथ। हम लेते हैं जिम्मेदारी, किसी को कुछ नहीं होगा, ये जिम्मेदारी हमारी है। दीदी नहीं, 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 जाने दो मुझे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आप यहाँ तक आई तो एक बार लड्डू गोपाल पर विश्वास करके देखिए। चलिए हमारे साथ लड्डू गोपाल की शरण में, वो आपके सारे डर सारे दर्द दूर कर देंगे। चलिए, नहीं, चलिए दीदी। तुलसी, तुलसी रुक जाओ, तुलसी तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुलसी रुक जाओ। मित्रा बहन, ये ठीक नहीं हुआ कि औरत अपने मुंह से खुद को डायन कह रही है। और तो और मैंने सुना है कि ये डायन जिस गांव में जाती है वहाँ बच्चे लोग बीमार पड़ने लगते हैं और लोग मरने लगते हैं। दीदी, अगर इस डायन की वजह से हमें या हमारे बच्चों पे कोई भी संकट आया, तो उसकी जिम्मेदार आप और तुलसी होंगे। कमाला गोपाला, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि वह केवल अपने लिए चिंतित होता है, दूसरों की समस्याओं में सहभागी नहीं बनता और दूसरों के दुखों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करता है। वह ये नहीं समझता कि जब तक उसके मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात जब तक कल्याण की भावना का उदय नहीं होगा, तब तक संसार से दुखों का अंत नहीं हो सकता। आप तो सबके दुख सुनते हैं, सुगंधा दीदी का भी दुख सुनिए। यहाँ छुपी बैठी है डायन, अब तेरी बलि देने से मुझे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आप है कौन? मैं हूँ काल भैरव का अंत, भैरव का अंत। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शेमारू टीवी पर।